मदनपुरी के अंदर से 12 साल से पी रहे हम लोग। एक नंबर पुलिया पीके जाओ, याद रखिए मदनपुरा बोलने से हटते। देखो ये है यहाँ की स्पेशल कोल्ड ड्रिंक जिसका प्राइस है 70 रुपीज। तो अभी हमारे साथ है ये सखी कोल्ड ड्रिंक हाउस के ओनर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सब्सक्राइब टू माय व्लॉग। और ये वीडियो अगर जरा भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है माज और आप सब देख रहे हैं मैजी व्लॉग। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों को शेयर करो। तो आज है हमारा रमजान का डे 6 और हम है आज मदनपुरा पे, जो लोकेटेड है, जिसको नहीं मालूम, जो लोकेटेड है मुंबई में। तो आज मैं बता दूं, आज पूरा रमजान का डे 6 का व्लॉग मदनपुरा में शूट होने वाला है। तो आप सबको मालूम है मदनपुरा अपने खाने मीन्स स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है और यहाँ पे जो शॉपिंग जो बाजार लगती है उसके लिए फेमस है और यहाँ पे एक फेमस झूला मैदान है उसके वजह से भी मदनपुरा फेमस है। तो अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी बज रहे हैं रात के 11 और आप देख सकते हैं मैं चौराहे पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कितनी चहल पहल है आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पूरे लेफ्ट साइड पे यहाँ की मार्केट है, राइट साइड पे भी मार्केट है। तो आज ये लेफ्ट साइड वाली मार्केट को अपन एक्सप्लोर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इधर आओ, ये है सखी कोल्ड ड्रिंक हाउस, ये देख सक रहे हैं, ये है सखी कोल्ड ड्रिंक हाउस जो कि काफ़ी फेमस है। आप यहाँ पे ऐसा भीड़ देख के पता लगा ही सकते हैं। तो आज हम इधर का फालूदा टेस्ट करके आपको बताएंगे, इधर का फालूदा मदनपुरा का सबसे बेस्ट फालूदा होता है। तो चलो यहाँ के अंकल से भी बात करते हैं, कब कब से उनका ये फालूदे की स्टॉल है वो सब पता लगाते हैं, फालूदे का रेट क्या है। और मैं बहुत पहले से फालूदा पीते आ रहा हूँ तो मुझे सब बहुत पसंद है यहाँ का, खास वो स्पेशल रबड़ी फालूदा रहता है वो फेमस है और कोल्ड ड्रिंक करके रहता है वो भी फालूदा ही रहता है वो भी बहुत फेमस है। तो चलो अभी वो चलते हैं अंकल के पास। अभी हमारे साथ है ये सखी कोल्ड ड्रिंक हाउस के ओनर। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अंसारी। अंसारी, तो ये जो फालूदे की दुकान है मदनपुरे में कब से है? 48 से है साल। 1948। अच्छा 48 साल। 48 साल से ये फालूदे की दुकान इधर ही है, पीढ़ी चल रही है, चौथी पीढ़ी माशाल्लाह। तो देख सकते हैं ये फालूदा इतना फेमस है और मदनपुरे का हर बच्चा जानता है ये फालूदे की शॉप को। तो यहाँ पर्सनली लोग बहुत दूर दूर से आके फालूदा पीते, बराबर बराबर बेटा। तो अभी आज अंकल आपका सबसे स्पेशल फालूदा कौन सा है? रबड़ी फालूदा। तो वो एक अपने लिए लगा दो, रबड़ी कोल्ड ड्रिंक। उसका प्राइस क्या होगा? 70 रुपया। फालूदा 60 रुपया। फालूदा 60, कोल्ड ड्रिंक 70। तो एक कोल्ड ड्रिंक लगा दो ना अंकल, स्पेशल कोल्ड ड्रिंक। तो ये अंसारी अंकल है, देख सकते है 48 साल से, आप बिलीव नहीं कर सकते ये फालूदे की दुकान इधर ही है। तो चलो अभी टेस्ट करता हूँ, मेरे को तो टेस्ट मालूम है पर टेस्ट करके आपको मेरा एक्सप्रेशन और क्या टेस्ट होता है आपको बताता हूँ। तो व्लॉग को फटाफट से सब्सक्राइब करो, पसंद आ रहा हो तो लाइक करो। देखो ये है यहाँ की स्पेशल कोल्ड ड्रिंक जिसका प्राइस है 70 रुपीज। तो चलो फटाफट से अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं। देख सकते हैं एकदम बड़ा रबड़ी आइसक्रीम का इधर पूरा स्कूप है और काफी मींस टेस्टी दिखने में ही लगता है। तो चलो ये 48 साल पुराने फालूदे को टेस्ट करके बताते हैं, आप भीड़ देख के पता लगा ही सकते हैं कि लोगों में इसकी क्या क्रेज है। तो चलो फटाफट से टेस्ट करके बताते हैं। याद रखिए, इतना अच्छा फालूदा है, एक नंबर फालूदा। कब से पी रहे तू? आज से नहीं,
मदनपुरी के अंदर से 12 साल से पी रहे हम लोग, एक नंबर प्रजा पी के जाओ याद रखिए मदनपुरा बोल जाते। तो अभी ये फालूदा की फर्स्ट बाइट लेने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा मावा रहता है, ये देखो आइसक्रीम के साथ। और हमेशा की तरह अमेजिंग, मैं खुद यहाँ का फालूदा बचपन से पी रहा हूँ, टेस्ट अभी भी वैसा के वैसे ही है। तो चलो अभी फालूदा खत्म करते हैं और बाकी पूरा मदनपुरा की आपको शॉप दिखाते हैं, तो बने रहो वीडियो के एंड तक। तो अभी अपन ने उधर से सखी कोल्ड ड्रिंक हाउस से फालूदा पी के निकल रहे हैं, और अभी ये जो सामने गली है इसको आपको पूरा दिखाते गली कैसी है। तो चलो ब्लॉग के अंत तक बने रहो, ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक करो। देख सकते हैं अभी वो गली में हम लोग अपनी बाइक लेके जा रहे हैं। तो वो सखी कोल्ड ड्रिंक के बाद अभी मैं आपको दिखाने लाया हूँ मदनपुरा की ये अनएक्सप्लोर्ड गली। अभी आप देख सकते हैं, मैं जैसे देखो घड़ी में टाइम देख लो, बज रहा है 11, और ये देखो ये आप बिलीव नहीं करोगे कि रात के 11 बजे इतनी भीड़ है। ये देख सकते हैं पूरा लेडीज़ के कपड़ों की दुकान है, आते रहो अभी मेरे साथ। ये देखो पूरा लाइन से यहाँ पे चप्पल जीन्स हर चीज़ की दुकान है। तो जैसे आप सबको मालूम है अभी रमज़ान का महीना और ये हमारा रमज़ान का day 6 है, तो ये जो इतनी सारी भीड़ है ये रमज़ान की वजह से है। ऐसे भी यहाँ पे भीड़ रहती है पर इतनी नहीं रहती है। ये देखो सब, ये सब रमज़ान के लिए अलग से हर जगहों पे मुंबई में ऐसे सब स्टॉल लगता है कि लोग खरीदी कर सके। तो आओ ये देखो, ये सब खजूर वगैरह की दुकानें देख सकते हैं। तो चलो अभी आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं अगेन, ये एक अच्छी दुकान है मीन्स लेडीज के कपड़ों के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए। ये देखो 800-800 रुपये में लेडीज के कपड़े हैं, इधर भी दिखा दो, 800-800 रुपये में लेडीज के कपड़े आप देख सकते हैं, काफी अलग अलग कलर में। इधर सब ये सब चीप मीन्स कम प्राइजेस में सब मार्केट है। ये देखो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, और ये एक और मदनपुरा की फेमस होटल कैफे गुलिस्तान, तो वापिस बने रहो। जैसे आपको मालूम है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ मदनपुरा अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी फेमस है, तो हर जगह पे आपको कबाब पाव की दुकान, गन्ने के शरबत और ये वो तवा आइटम बहुत सारा दिखेगा। तो अभी तो हम लोग ने रात का खाना भी खाया इफ्तारी के बाद, मतलब ज़्यादा तो नहीं खाया था, थोड़ा तरावी पढ़ के खा लेते हैं। तो देख सकते पूरा हर चीज़ आपको ये गली में मिलेगी। ये और एक और चीज़, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये मदनपुरा की फेमस हरी मस्जिद है, मेरे पीछे मदनपुरा का काला पानी भी है। तो ये देखो ये कुछ ऐसी यहाँ की मार्केट है, इतनी रात को भी यहाँ पे देखो हलवा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल है, देख सकते हैं सब लोग शॉपिंग के लिए, एकदम ईद की शॉपिंग के लिए, रमजान के कपड़े वगैरह के लिए यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं। देखो भाई क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, हलवा पराठा, हलवा पराठा, वो यहाँ पे हलवा यहाँ पे शहरी के लिए बना रहे हैं, शहरी के लिए। देखो ये सब कुछ शहरी का ऐसा माहौल है यहाँ पे। दिख रहा है वो मीन्स अभी से, मतलब 4 बजे शहरी वो घी में बना फ्राई। तो आते हो तो इधर से हलवा पराठा भी लेके जाओ, बहुत अलग टेस्टी है। ठीक है तो आते हो तो ये क्या नाम बोले, मैदान में हलवा पराठे वाले का हलवा पराठा खा के जाओ। तो चलो अभी अपन हरी मस्जिद से आगे जाते हैं। आप चल चल के थक जाएंगे लेकिन ये दुकानें खत्म नहीं होगी, आगे तक दुकानें। और ये आप मेरे अभी भी देख सकते हैं 11:15 हो गया, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी रमज़ान का जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, लोग बहुत भीड़ बना दे रहे बाजारों में। तो आप लोग से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आके अपनी शॉपिंग ख़त्म करो, जहाँ से आपको भी पसंद है। वालेकुम अस्सलाम।
रमजान स्पेशल चीज, इसको आपके इधर क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, इसको इधर सेवई बोलते हैं और क्या बोलते हैं हम लोग के घर में? सुकर फिरनी भी बोलते हैं। बराबर, तुमको मालूम है ना? अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद शोएब। यही रहते हो? ठीक है ठीक है। तो चलो अभी अपनी बाइक उधर ही है, और मैं आपको एक बार बता दूं, पूरा एंड तक ये मदनपुरे की गली है, तो मैं आपको पूरा तो वीडियो में दिखा नहीं सकता हूँ। तो आपको ये ब्लॉग में इधर ही एंड करो। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। तो अब ये ब्लॉग खत्म करने का टाइम आ चुका है, ये ब्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। ये था हमारा कुछ आज का डे 6। तो अब वेट कीजिए डे 7 के लिए, बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।